हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बच्चों के स्वेटर में साइड में शोल्जर में फंदे कैसे बढ़ाते हैं ये बताऊंगी। मैंने गले बना लिए हुए हैं इसके, और ये देखिए एक तरफ मैंने बना ली हुई है शोल्जर, और मैंने ये डबल बॉर्डर से ये सुई से बंद किया हुआ है इसको, तो ये डबल बिल्कुल बॉर्डर जैसी डबल हो जाती है, दिख जाती है। तो इसी में फंदे कैसे उठाते हैं और कितने फंदे हमें उठाने चाहिए बच्चों के, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे का है ये स्वेटर, तो उसके लिए हमें फंदे कितने और किस हिसाब से उठाने चाहिए ये मैं आपको शोल्जर में बताऊंगी। ये हाफ स्वेटर बना रही हूँ मैं, तो हाफ स्वेटर के लिए कितने फंदे उठेंगे और कहाँ कहाँ से उठेंगे ये मैं आपको ये बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ से फंदे शुरू किए हैं, यहाँ से जहाँ से हमने जितने ये घटाए हैं 4 2 1 मैंने घटाया है, तो इधर तो हर एक चेन पे जितनी ये 4 है तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2, फिर यहाँ 1 है तो 1 करके। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हर एक ये जो मैं साइड में फंदे मैं उतारती हूँ, मैं साइड के फंदे में बुनती नहीं, उतारती हूँ। और साइड में जैसे ये देखिए, साइड से मैंने फंदे उठाए, एक फंदे ऐसे उठाए, ये देखिए एक फंदे ऐसे उठाए इधर से साइड के ही से बिल्कुल, है ना, साइड वाली चेन लेके एक फंदे ऐसे उठा, एक फंदे ऐसे हमने लिए। अब इसी चेन में से बीच में से ये करके एक में से हमने 2 फंदे उठाने, शोल्जर में हमने एक में से 2 फंदे उठाने हैं, हमें 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए है। इसके मुद्दे मैंने रखे हैं, ये घटाने के बाद मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ये घटाई हुई है, 4 और 2 6 7 7 फंदे घटे हुए हैं हमने। उसके बाद मैंने इतना ये टोटल अगर ये देखे तो एक एक गट होती है, अगर मतलब पूरा घटाई से लेके यहाँ तक तो बच्चों का ये एक गट होता है। आप जितना बड़ा करो उस हिसाब से साइज बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से फंदे भी बढ़ते जाएंगे। इसमें मैंने दोनों तरफ 50 50 फंदे किए हैं। तो मैं फंदे कैसे बढ़ाए वो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, ये हो गए। उसके बाद अब फिर दूसरी चेन पे हमने वैसे ही ये फंदे उसमें बढ़ाए, फिर उसके बाद इसके बीच में से एक में से ये जो चेन होती है इसमें से एक धागा लेके इसमें से एक फंदा हम उठा लेते हैं, तो ये 2 फंदे हमारे साथ के साथ बन जाते हैं। और ये अगर टोटल करेंगे तो हमारा ये 50 फंदे आराम से ये बन जाते हैं यहाँ तक आने में। और फिर यहाँ से यहाँ तक भी सेम हम वैसे ही करेंगे और ये हमें टोटल 100 फंदे कर लेने हैं, ये हो गए। अब ये इसमें से फिर बीच वाले में से हम निकालेंगे तो हमारे ये 2 फंदे इसी एक में से ही निकल गए। अब ऐसे ही करते करते हमने पूरे में ये फंदे उठा लेने, ऐसे करके हम फंदे उठाएंगे। और इससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन की घंटी आएगी उसे दबा दें ज़रूर, ताकि मैं आगे की जो भी कुछ डालूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी कई लोग इससे बहुत कुछ सीख सकें। तो मैं इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगी, शोल्जर उठाना और उसके बाद कितना बनाऊंगी, उसके बाद ये सुई से बंद किया है ये भी पूरा ये बताऊंगी। तो मैं ये पहले पूरा ऐसे ही ये उठा लेती हूँ फंदे, 2 प्रोसेस से उठा सकते हैं। एक प्रोसेस और भी मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रोसेस अब जैसे ये बीच में से हमने इसके बीच में से भी फंदे उठा सकते हैं, दोनों जो चेन होती है उसके बीच में से भी फंदे उठा सकते हैं। अब जैसे देखिए ये मैंने एक 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 फंदा इसमें से उठाया, ये जो चेन बनी हुई है इसमें से उठाया एक फंदा, और दूसरा फंदा मैं इसमें दोनों के बीच में जो गैप है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों के बीच में जो ये गैप है इस गैप में से हम बीच में से भी फंदा उठा लेंगे एक, तो ये भी एक में हमारी ये 2 फंदे हो जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट चेन पे हम ये उठा लिया, फिर ये बीच में दोनों के बीच में गैप है ये देखिए, दोनों के बीच में हमारी एक ये गैप होती है जो ये फंदे शुरू होते हैं उसके,
इसमें से हम एक और फंदा उठा लेंगे और वापस से फिर नेक्स्ट चेन पे से हम एक फंदा और उठा लेंगे। ऐसे करके हम हमें 50 फंदे यहाँ तक, ये देखिए ये जहाँ पे हमारा ये शोल्जर जुड़ता है यहाँ तक हमारा 50, फिर यहाँ से यहाँ तक 50, तो दोनों तरफ हमारे 100 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम ये पूरा फंदा उठा लेते हैं। अब ये लास्ट में भी ऐसे ही, अब हर एक चेन पे एक दो तीन चार चेन है ना, अब इसमें चार में हमने ये चार फंदे चारों चेन पे 1, 2, 3 और 4 लास्ट चेन ये रही, लास्ट चेन पे चार फंदे हमने इधर के उठा लिए। टोटल ये हमारे 50 हो चुके हैं, मैंने काउंट कर लिया है। अब इधर भी 50 थे और इधर भी 50 थे। अब हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे की पांच लाइन बनानी है हमने। एक फंदा जैसे पहला फंदा मैं उतारती हूँ, हमेशा उतारूंगी, दूसरा फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर फंदे पलट के सीधा। ये बॉर्डर हमारी पांच लाइन बनेगी। ये फर्स्ट लाइन अभी हो रही है, इसके बाद ये चार लाइन और बनेगी। फर्स्ट लाइन होने के बाद, पांच लाइन होने के बाद फिर हमारी ये पांच लाइन हम ये बना लेंगे ऐसे। पांच लाइन बनाने के बाद फिर ये चार लाइन हमारी ये सुई से बंद करने के लिए बनेगी वो अलग से, तो हमारी सात लाइन हो जाएगी। बच्चों में हम बॉर्डर सात लाइन की डालते हैं तो ये सात लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये पूरी ये पांच लाइन बना के फिर जब सुई से बंद करने वाला प्रोसेस है वो फिर शुरू करेंगे। ये पांच लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें हमें सुई से सिलने के लिए जो ये डबल बॉर्डर बनाना होता है वो अब हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये पहला फंदा सीधा है तो सीधा फंदा हम पहला उतारती हूँ तो इसलिए उतार दूंगी, और फंदा आगे करके उल्टे फंदे को उतार लेना है, फिर फंदा पीछे करके सीधे फंदे को बुन लेना है। फंदा आगे करके उल्टा उतार लेना है, पीछे करके सीधे को बुन लेना है, आगे उतारना है उल्टा, पीछे सीधा बुन लेना है। ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टे फंदे को उतार लेना है, सीधे फंदे को बुन लेना है, उल्टे को उतार के फंदा पीछे करके फिर सीधा को बुन लेना है। और सेकंड लाइन में कैसे होगी ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताती हूँ। अभी सीधी तरफ हमने सीधा बुना था, उल्टा उतारा था, उल्टी तरफ जो हमारा सीधा होता वो उल्टा आएगा, तो हमें उल्टा वाले फंदे को, पहला फंदा मैं हमेशा उतारती हूँ तो ये उतारूंगी, सीधा उल्टी तरफ ये सीधा को होएगा तो सीधे को ये उतार लूंगी और फिर फंदा आगे करके उल्टा बुना जाएगा। पीछे तरफ सीधा करके सीधे फंदे को उतार लेना है अब, और अब ये उल्टे को बुन लेना है, सीधा उतार लेना है और उल्टा बुन लेना है। बस यही प्रोसेस हमें चार लाइन तक, दो लाइन हमारी ये दूसरी लाइन है, एक लाइन और सीधे में हमने सीधा बुनना है, उल्टा उतारना है, उल्टी तरफ हमने उल्टा बुनना है, सीधा उतारना है, बस यही प्रोसेस हमें। ये देखिए अब ये दो लाइन होने के बाद आपको ये उठा हुआ दिखेगा, ऐसे ये उठा हुआ दिखेगा, सीधे को उतार लेना है, उल्टे को बुन लेना, सीधे उतार लेना, उल्टा आगे करके बुन लेना है। ये दूसरी लाइन है हमारी, चौथी लाइन होते होते ये पूरी उठी हुई हो जाएगी। चार लाइन हम ये ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, ये उल्टी एक लाइन होके, फिर एक सीधी होके, फिर एक और उल्टी होके, तब इस तरफ सीधी तरफ आएंगे, तब हमने सुई से फंदे को बंद करना है। हमारी चार लाइन कंप्लीट हो गई है, ये देखिए चार लाइन कंप्लीट होने के बाद ये हमारी चार लाइन कंप्लीट होने के बाद ये ऐसी उठी हुई दिखती है, ये देखिए ये उठी हुई दिखती है। और ये अब हमने सुई धागे में सुई लगा लिया है, सुई में धागा लगा लिया है। अब ये तरफ हमारा ये पहला फंदा सीधा है, तो सीधा फंदा है तो हम पहले इसको ऐसे ले लेंगे और ये जो पीछे की तरफ है वो हमारा उल्टा है, उल्टे को सीधा ले लेंगे। सीधा फंदा लेके पहले इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे,
ऐसे खींच लेंगे और उल्टे फंदे को हम इधर से ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, उल्टे फंदे को हम सीधी तरफ से पीछे से ले लेंगे। आप जो इधर से ये सीधा फंदा लिया था, इसको ऐसे लेंगे और ये इधर जो सीधा है, इसको उल्टी तरफ से ऐसे अंदर से लेके ऐसे निकाल लेंगे। और अब पीछे जो ये फंदा हमने लिया था, इस फंदे से, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इस फंदे को, ये जो हमने फंदा उतारा था पीछे वाला, इस फंदे को ऐसे ऐसे लेंगे, ऊपर से सुई लेके पीछे की तरफ, और फिर इसको पीछे से आगे की तरफ घुसा के निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है ये, एक बार देखेंगे आपको तो समझ में आ जाएगी। फिर ये धागे को खींच लेंगे। धागे को हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना। अब फिर ये जो फंदा हमने, ये वाला इधर वाला जो फंदा पहले उतारा था, उस फंदे को ऐसे खींच के निकाल लेंगे। ऐसे देखिए, ये ऐसे निकाल लेंगे और उसके बाद ये सीधे फंदे को उल्टा उतार लेंगे। फिर ये धागे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है और ना ज़्यादा लूज रखना है। और ये फिर जो फंदा हमने लिया था, इस फंदे को वापस से पीछे वाला लेके, पीछे वाले से पीछे वाले को लेके खींच लेना है, आगे वाले से आगे वाले को लेके खींच लेना है। अब ये फिर ये फंदा है हमारा, इस फंदे को लेना है, आगे से ऐसे खींच लेना है। अब ये पीछे का फंदा है, ये इसको लेना है और इसको फिर पीछे से सीधी तरफ खींच लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा इस तरफ भी बिल्कुल सेम बंद हो गया। ये देखिए, अब फिर आगे हमने वैसे ही करना है। जो फंदा हमने लिया था, ये जो फंदा हमने, ये फंदा जो अभी दिख रहा है, ये जो पहले हमने उतारा था इस पे, उसी फंदे को हमने खींच के और फिर इसके साथ में ले लेना है। ऐसे ही पूरी हम ये बंद कर दिए। देखिए बिल्कुल ये दोनों तरफ ये एक जैसी दिखेगी, अभी ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिखता। तो ऐसे ही हम ये पूरी बंद कर लेंगे। अब ये हमने इसको पूरा ये करके ऐसे देखिए ये बंद कर दिया है। ये देखिए, ये सीधी और उल्टी दोनों तरफ ये एक जैसी दिखती है, पता नहीं चलेगी आपको ये कौन सी है। अब लास्ट में भी हमने इसको ये करके, जो लास्ट धागा जो हमने ये किया था नीचे वाला, लास्ट तक हमने बंद कर दिया, और लास्ट वाला जो ये फंदा है, इसको ऐसे करके ऐसे खींच के ये टाइट खींच दिया, ये बंद हो गई। और अब हमने इधर से ही इसको ये करके ऐसे ले लेना है, ये दोनों को जोड़ के, और सिलाई कर देनी ऐसे। इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा इसी धागे से हम ऐसे दो तीन बार गांठ बांध लेंगे ताकि ये मजबूती से हमारा ये बंद हो जाए। और अब हमारी ये सिलाई शुरू हो जाएगी। हमने इसको नॉर्मल पीछे की तरफ से दोनों ये लेके सिल देना है। तो ये ऐसे हमारी ये सोल्जर बनके, हाफ स्लीव्स की सोल्जर वाला पोर्शन बनके तैयार हो गया। ये मैं इसको करके फिर आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बन गई हमारी बिल्कुल, ये फिट की सोल्जर बन गई हमारी। इस तरफ भी सेम है, ऐसे ही इधर भी धागा हमने इसका ये छोड़ा हुआ है, धागा हमने एक्स्ट्रा ही लेते हैं इसमें,
कम अगर धागा लेंगे तो ये बीच में अगर जोर पड़ती है तो कंप्लीट नहीं होती है, ऐसे करके अब हमें इधर से पूरी ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने आपको पूरा ये मुद्दा ये करना बता दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।